डेफने बिल्कुल नहीं। यार क्यों नहीं? डेफने मैंने कह दिया ना, रस टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी काम नहीं करेगा। अच्छा तो ठीक है, फिर आज के दिन से मैं किक बॉक्सिंग की क्लासेस लिया करूंगी। क्या कहा फिर से कहना? किक बॉक्सिंग, जिसमें किकिंग और बॉक्सिंग दोनों होती है। किक। अच्छा मैं तुम्हें सिखाता हूँ अच्छी तरह कैसे होता है। हद हो गई है। क्यों भाई क्यों? आप भी तो बॉक्सिंग करते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, ये तो ना इंसाफी है। जबकि आजकल की लड़कियाँ तो लड़कों से ज्यादा काबिल होती हैं भाई। और आप खुद ही सोचे ना, अगर मैं ये बॉक्सिंग सीख लेती हूँ तो ये मेरे लिए आज ही नहीं बल्कि मेरे फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ किक बॉक्सिंग सीखने के बाद मैं सीधे ऑफिस जाऊंगी और वहाँ जाकर यालिन का वो हाल करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। आप खुद ही देखिए ना कि एक तीर से मैं दो शिकार करने वाली हूँ। डेफने जाओ जाकर ग्लव्स पहन करो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखा दूंगा यार, प्लीज जल्दी जाओ। ठीक है लला। इस अजाब में फंस गया मैं। सेवन एट नाइन। एक बात बताऊं, अच्छे बच्चे अपने दादी जान से कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक कहा दादी। 13, 14, 15। अगर उनकी फूफो को कुछ होता है तो वो फौरन अपनी दादी को बता देते हैं। बिल्कुल नहीं दादी। ओ क्यों नहीं बताओगे? असल बहादुर जो होता है ना दादी, वो कभी भी किसी की चुगली नहीं लगाता है। लेकिन बड़ों को बात बताना इतना बुरा नहीं जितना बुरी बात को छुपाना। ओह जरा देखो तो, बुरी बात सुनकर तुम्हारी बॉल भी गिर पड़ी। क्या हो गया तुम्हें? पंचिंग बैग से दूर थोड़ी जाते हैं। तो और क्या करूं, जब भी इसके पास जाती हूँ ये उल्टा मुझ पर वार कर देता है, बिल्कुल दुश्मन के फौजी की तरह। डेफने बात सुनो तुम, ये पंचिंग बैग है, इसी को मारना होता है। वार ही तो रही हूं। तो फिर इसका इंतजार मत करो कि वो पलट कर आकर तुम्हें मारे। हाँ, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहाँ फंस गया यार? डेफने पप्पू इसे इस तरह नहीं मारते, लड़कियों का काम नहीं है ये। ओ नहीं, ये तो फिर से आ गए। एक बहादुर लड़का किसी की चुगली नहीं लगाता और अपने मसाइल खुद हल करता है। तो मैं अपनी पप्पू के कमरे में चढ़ने का मजा चखाता हूँ। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम बच्चे? उसके कमरे में गया था, अरे हम तो लूट गए। इद्रीस क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसको। छोड़ो मुझे, मैं छोड़े बेटा। छोड़े 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 मुझे। आराम से चैंप। खैरियत तो है? क्या चेहरे के जख्म ठीक हो गए जो नए जख्म लेने के लिए यहां पर आ गए? हाँ ऐसा ही है। मैं यहां लड़ने के लिए नहीं आया बिल्कुल भी। चलो आराम से बात करते हैं। कहो फिर क्या कहने आए हो यहां पर? अरे तुम दोबारा आ गए? सुनो इसे पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। फिर से यार। हिलना नहीं, वही रखो तुम। सिनान पकड़ के रखो इस बदमाश को, कहीं भाग ना जाए। पकड़ लिया मैंने दादी जान, पकड़ लिया है। बस अभी आई। चलो अब किसी सुकून की जगह पर बैठकर बात करते हैं। इसे मजबूती से पकड़ के रखना है सिनान। कहां गया वो बदमाश? आखिर भाग गया ना वो।
क्यों भागने दिया उसे? क्या वो अपने घर भागा है? लगता है सिनान भी उसके पीछे भागा है। देखना वो उसे उसके घर पर ही मारेगा। मेरे हिसाब से उसे गोली मार देनी चाहिए। उफ दादी जान, उफ दादी जान, आखिर भाई ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो रात गए इस घर में चढ़ा था। मेरी बात सुनो तुम छोटे पहलवान, आजकल तुम हद से ज्यादा बड़े हो। लेकिन अम्मी मैं तो किसी से कुछ नहीं कहता, मैं तो एक बहादुर जवान मर्द हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, तुमने कुछ कहा नहीं है और वो बिला वजह इतना गुस्सा कर रही है ना? दो चाय ले आइए। सुन रहा हूं सिनान, देखो यार, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम बिल्कुल सही हो, यानी मेरी भी एक बहन है, तुम्हारी जगह होता तो यही करता। लेकिन ये लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी? हाँ मैं बस ये बात जानना चाहता हूं तुमसे। जहां तक जाती है जाए, मुझे नहीं परवाह। देखो डेफने एक बहुत जहीन लड़की है, उसे अपना काम बहुत पसंद है और बहुत तरीके से करती है वो, इसलिए मेरे जैसे आदमी की वजह से उसे जॉब से निकलवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा मेरे भाई। अगर मेरी बहन तुम्हारे जैसे आदमी के साथ काम करे तो ना करना ही बेहतर होगा। और फालतू तो वैसे भी मैं उसे घर में नहीं बैठने दूंगा, हमारी कंपनी में हमारे साथ काम करेगी। मेरे भाई क्या तुम जानते हो कि डेफने कितनी बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर है? मुझसे झूठ मत बोलो, जल्दी बताओ उस बदमाश ने तुम्हारे साथ क्या किया? अरे कितनी बार बताऊं कि उसने कुछ नहीं किया, आखिर आप मान क्यों नहीं रही हैं मेरी बात को? अच्छा तो कुछ नहीं किया, वो आधी रात को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। क्या वो फजूल में ऊपर चढ़ा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मेरी प्यारी दादी, वो आया जरूर था लेकिन थोड़ी देर बैठा और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? जवान लड़का खूबसूरत लड़की के घर आता है, बैठता है और सुकून से चला जाता है। ऐसा लड़का तो कभी नहीं देखा मैंने, पता नहीं इन्हें कैसे लड़के मिले होंगे आज तक। ये बताओ कि सीढ़ियों पे क्या हुआ, सच बताओ। अरे उफ यार उफ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, हो सकता है कि मेरी जान निकल जाए और सारी रात भी खत्म हो जाए। हाँ नहीं तो उसके पीछे जाओ बहू, कहीं ऐसा ना हो अपना सामान बांध कर उस बदमाश के साथ चली जाए, कितनी बदनामी होगी हमारी। चलो अब उठ भी जाओ, अब स्टाइल क्या मार रही हो तुम, फौरन जाओ। क्या हो गया है आजकल के बच्चों? दादी ने मुझे ये देखने के लिए भेजा है कि कहीं तुम उस लड़के के साथ भाग ना जाओ। कसम से अगर उसमें जरा सी भी अकल होती तो मैं उसके साथ भागी जाती, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतना जालिम शख्स नहीं देखा। और वैसे भी मुझे मुहस्सिब सादे से आदमी पसंद आते हैं। वाह किस किस्म का सादा आदमी, इस किस्म के मर्द तो ऐसे ही होते हैं, यानी कि असल मर्द तो बहुत ही ज्यादा जालिम होते हैं। कि तुम कह रही हो जिसने मेरे भाई को तलाक दे दिया? तुम्हारा भाई कोई जालिम नहीं है, अगर उसे ऐसा बनाना है तो उसके लिए तो कई नस्लें दरकार होंगी, वो इस किस्म का बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? आ, ये तो हमारी दादी है ना? होना हो ये यालन के पीछे जा रही है। जल्दी चलो। तो तुम कह रहे हो कि वो बहुत अच्छी है? मैं आपको इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, पूरे तुर्की में कोई ऐसा नहीं है जो डेफने जैसे कोड्स लिख सके, सुना तुमने? अच्छा तो ठीक है, फिर यही काम वो कहीं और कर लेगी। यार तुम्हें कुछ भी समझाना इतना मुश्किल क्यों है भाई, उसकी स्पेशलिटी सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही काम आ सकती है और तुर्की में वाहिद हमारी कंपनी है जो ये काम करती है। क्योंकि वाहिद तुम ही हो जो लड़कियों को टॉयलेट में बंद करते हो। यार मैं कितनी दफा माफी मांगू, दोबारा ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं उसकी नॉनस्टॉप बातें भी बर्दाश्त कर लूंगा। मेरी बहन की बुराई नहीं कर सकते तुम,
तो क्या यह सच नहीं है? हाँ सच तो है वैसे ही है। तो फिर क्या कहते हो? तुम अब उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे, टॉयलेट में भी बंद नहीं करोगे, और नहीं का मतलब नहीं है। हाँ यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि झगड़ना मेरे भी बस में नहीं है। ठीक है, तो इस सब का ख्याल रख सकते हो तो मुझे मसला नहीं। वैसे हमें देवने से नहीं पूछना चाहिए पहले? कल रात पूछ चुका हूं उससे। क्या कहा? कह दो कि फोन किया था या मैसेज किया था तुमने, ये मत कहना कि घर आए थे। यार मैंने बस खिड़की से पूछा और चला गया, मेरी कोई भी तुम्हारी और कोई नियत हो भी नहीं सकती। अगर कभी तुम्हारी उस तरफ नियत गई भी तो मैं तुम्हारी। उठाओ यार, उठा लो इसे। हाँ कहो डेफने। यालिन, भागो, मेरी दादी भाग गई है। तुम्हारी दादी भाग गई है? कहाँ भाग गई? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो यकीनन तुम्हारे घर पहुँची होंगी। मेरे दादा जान घर पर है। ठीक है, तो फिर मेरी दादी जान वहाँ जाकर तुम्हारे दादा से मिल लेंगी। ओह पागल हो जाऊंगा मैं। तुम पागल बाद में हो जाना, लेकिन अभी अपने घर पहुँचो और मुझे एड्रेस भेजो ताकि मैं भी पहुँचूं वहाँ। अब क्या हो गया? तुम्हारी दादी अब हमारे घर तक पहुँचने वाली है। क्या वो करना क्या चाह रही है? यार ये खानदान की सारी औरतें मुझे पागल करके छोड़ेंगी क्या? यार यशिम से या किसी से कहो अपने घर में कि उन्हें रोके जाकर। मेरे घर पे दादा के अलावा और कोई नहीं होता। ओफ। एक तो यार तुम्हारे ये मसले नहीं खत्म होते, और इन मसलों में फंसाने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरी फैमिली मिली है और कोई नहीं, कसम से। उठो चलो। हाँ शाखा। कहाँ है ये? हाँ नटखट उस्मान, मेरी बात सुनिए काउंसलर, ये सिलेक्शन हमारे डॉक्टर्स की तरफ से है। जी कहिए परवीन सुल्ताना। अरे मैं क्या कहूँ तुमसे, मुझे तो सिर्फ उस बदमाश के घर का एड्रेस चाहिए। कौन सा बदमाश? तुम कितने बदमाशों को जानते हो? वही जो कंप्यूटर का काम करता है। परवीन सुल्ताना, कल सिनान भी उसका पता मांग रहा था मुझसे। क्या हुआ, अब क्या कर दिया यालिन? अरे वो लड़का तो मेरी मासूम बच्ची के पीछे ही पड़ गया है, अब देखना मैं कैसे उसके दिमाग से ये भूत उतारती हूँ। अच्छा चले आप फोन रखे, मैं अभी आपको नंबर भिजवा देता हूँ सुल्ताना। अच्छा ठीक है, रख देती हूँ। अल्लाह खैर ही करे आज यालिन, अब तुम सुल्ताना से नहीं बच सकते। यालिन तुम अब फूलों के साथ बारात लेकर आओगे, देखना अब तुम्हारी अल्लाह ही मदद कर सकता है। चलो दादी जान। आह दादी जान, उफ दादी जान, उफ दादी जान, उफ दादी जान, उफ दादी जान। बिस्मिल्लाह। खातून आप फिर आ गई। वाह क्या बात है, बुड्ढे हो गए, दिमाग जगह पे है, भूले नहीं हो तुम। मोहतरमा क्यों आई है? अभी बताती हूँ। जानते हैं आपके उस बदमाश पोते ने मेरी नाजुक और मासूम पोते की जिंदगी तबाह की, इसलिए आई हूँ। उसने डेफने को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सिनान ने उसकी पिटाई भी की, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका, वो मेरी पोती के घर पे चला आया। सिनान ने दोबारा पिटाई की उसकी, और फिर आप जानते हो कि उसके बाद उसने क्या किया? हाँ बिल्ली की तरह दीवार फाड़ के घर में घुस आया, ऐसे ऐसे। क्या? हाँ ये तो मर गया। Oh, my God.
दादी जान, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया, उसका वक्त आ गया था। ये जिंदा तो है ना? एक मिनट रुके सर, लगता है इन्हें हार्ट अटैक आया है। मैं जानती हूँ ये नहीं बचने वाला, तुम लोग इमाम साहब का इंतजाम करो और जल्दी से रिश्तेदारों को भी बता दो। इन्हें खामोश करवा लो तुम। लगता है मर गया। आप प्लीज साइड पर हो जाए मोहतरमा। आप इन्हें किस हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं? एस के जिस हॉस्पिटल में काम करती है इन्हें वहीं पर लेकर चले आते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम यहाँ? कफन दफन का इंतजाम करो बस। मैं कलमा पढ़ लेती हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पागल कर देंगे ये मुझे। मैं यालिम के साथ हूँ भाई। इंतजार कर रहे हैं तो और क्या करें दादी, सबको ऐसे ही छोड़कर चले जाएं यहाँ से? हाँ क्यों, हमारा क्या ताल्लुक? यालिन, तुम्हारे किसी रिश्तेदार वगैरह को कॉल कर दें क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब दूर रहते हैं। यशम परेशान हो जाएगी। ऐसा नहीं हो कि वो कहें कि बताया क्यों नहीं हमें। वो एक दिन में वापस आ जाएगी, अभी कॉल नहीं करते, पहले सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या होगा। कैसे हैं वो? फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उनकी लाजमी अर्जेंट एंजियोग्राफी करनी होगी। आप पेपर्स पर साइन कर दें ताकि मैं ओटी में शिफ्ट कर दूं उन्हें। लड़की क्या हुआ, मरा नहीं वो? या अल्लाह। उनकी एंजियोग्राफी होगी दादी जान। बेटी क्या मतलब, ये एंजियो क्या है? एंजियोग्राफी दादी जान, एंजियोग्राफी। वो तो समझ गए, लेकिन ये होती क्या है? अब मैं ये कैसे समझाऊंगी आपको? रगों में कुछ तार जैसा डालते हैं वो लोग। इंसान के रगों में? लेकिन क्या फायदा, मुर्दे को पता नहीं लगता। दादी जान क्या हो गया, क्यों कर रही है ऐसी बातें? भाई आपको अल्लाह का वास्ता है कि दादी जान को यहाँ से ले जाएं प्लीज। तुम उस लड़के के साथ रहोगी यहाँ पे? ना मुमकिन। दादी चले आप यहाँ से। दादी प्लीज चले आप यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा प्लीज। मिलाए, कैसे हैं अब वो बताओ? ठीक है, क्योंकि अभी भी वो पाए खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात तक होश आ जाएगा। कहा था? मुझे लगता है कि सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। जब तक वो घर नहीं चलते मुझे लगेगा वक्त रुक सा गया है। अच्छा, तो वक्त गुजारने के लिए कोई काम ढूंढ लेते हैं। कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है तो बताओ। अच्छा चलो, बाकी जगह तो ठीक है, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल का लिहाज करो। बात तुमने शुरू की है। वाकई ऐसी शक्ल में बिल्कुल भूतनी लगती हो। अब ये सोचो कि एक भूतनी से पिटके कैसे लगोगे। आई थिंक मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अब एतराफ कर लो कि मैं भी तुम्हें भूत लगता हूँ। नो वे, अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा भी तो तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। तुमने वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलोगी, पूरा महीना भी नहीं हुआ अभी। अच्छा ठीक है, लगते तो हो भूत जैसे तुम, लेकिन थोड़े से। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कम कर लो। इतना ठीक है। चलो हम दोनों की नहीं, कुछ बीच का रख लेते हैं। कुछ खा लेना चाहिए ना, मुझे तो बैठे बैठे भूख लग रही है यहाँ पर। Thank you.
घुटन हो रही है। सिनान मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा, समझ नहीं आता कि उसे दिल से कैसे निकालूं। मैसेज कर देती हूँ उसे। एक नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करूँ उसको मैसेज? तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड से तो तुम्हें मैसेज करती है। तो उनमें से कौन है आज मेरे साथ? फिर ट्वीट कर देती हूँ, वो भी नहीं करूँ तो मतलब कुछ ना करूँ। अरे तो मुझे फोन तो दो यार। नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले ब्रेकअप बोलो फिर मिलेगा। सईदा मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूँ। तुमने बताया है किसी को? तुम्हें अच्छी तरह पता है अगर मैं इसमें फंसी ना तो मेरा शौहर तुम्हें मार देगा। मैं तो भूल ही गया था, तुम जैसी लड़कियों के साथ इंसान एंजॉय ही नहीं कर सकता। तुम लोगों को कुछ बताना भी था। क्या बताना था? तुम्हें वो ऑटो पार्क वाली लड़की याद है? हाँ? जो मॉडल जैसी थी। तो वो पागल मशहूर है। हाँ पागल है वो। क्या मतलब पागल है, खुल के बताओ कुछ। ये लो खाओ। एहसान है आपका। इतना तो मिल ही सकता है तुम्हें। तुम इसे झूठ क्यों बोलती हो? मैंने तो तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। नहीं मानता। अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और कम से कम एक महीने तक तो नहीं बोलूंगी। चलो ठीक है, प्रूफ करो। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो पहले ना बताया हो। ठीक है, मगर फिर तुम भी बताओगे। मैं क्यों, अभी तो तुम्हारी बात हो रही है। अच्छा जैसा तुम्हारा दिल चाहेगा बिल्कुल वैसा ही करेंगे क्या हम? ठीक है डन, लेकिन पहले तुम बताओ। ठीक है, लेकिन तुम हंसोगे नहीं और ना मेरा मजाक उड़ाओगे। ठीक है, प्रॉमिस। मैंने 8 साल की उम्र तक बिस्तर में सुसु किया है। अरे तुमने कहा था हंसोगे नहीं तुम। ठीक है नहीं हंस रहा मैं। 8 साल की एज तक। हाँ शर्म करो। बदतमीज। अच्छा अच्छा बस रुक जाओ, हाथ में दर्द हो जाएगा। अब तुम्हारी बारी। ना तुम किसी को बताओगी और ना तुम हंसोगी इस पे, ना ही मेरा मजाक बनाओगी। मेरी बात से कम ही एम्बैरेसिंग होगी ये मुझे यकीन है। पिनोकियो मेरा पेट नेम है। अच्छा ये तो मेरी बात से भी फनी है। देखो मैंने कहा था कि तुम नहीं हंसोगी। हाँ ठीक है नहीं हंस रही। यालन पिनोक्यो आरास। गलती कर दी मैंने। देखो अगर ये बात किसी को पता चली तो अच्छा नहीं होगा। आई एम वेरी सीरियस। मुझे देख रही हो ना? ये बात सिर्फ घर वालों को पता है। Thank you.
güneşi sen gönlümün güneşi doğdun yüksek dağlara doğdun yüksek dağlara daha seni sevemem daha seni sevemem söz verdim ermaklara söz verdim ermaklara daha seni sevemem daha seni sevemem söz verdim ermaklara söz verdim ermaklara Sen yüreğimin kuşu kondun yüksek dallara kondun yüksek dallara daha seni sevemem daha seni sevemem söz verdim fidanlara söz verdim fidanlara daha seni sevemem daha seni sevemem söz verdim यकीन नहीं आता तुम लोगों पे बताया क्यों नहीं पहले मुझे अभी बता दिया ना आ गई हो ना मिलने काश कि मैं गई ही नहीं होती सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मैं बिना वजह इन्हें छोड़कर वहां से चली गई मेरी ही गलती है ये मैफ तुम तो काम से गई थी ना और वो भी ज्यादा दूर तो नहीं गई अगर घर पर भी होती तो इस होने वाली चीज को तुम कैसे रोक पाती भला नादान कहीं के कमान बस दानिश तुम इनका डिस्चार्ज वगैरह देख लो यास्मीन तुम और आपा घर चली जाओ मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाता हूँ दादाजान आप प्लीज आराम कीजिए फिक्र मत कीजिएगा हम सब देख लेंगे अरे मैं खुद ही चली जाऊंगी तुम्हारी गाड़ी तो घर पे रह गई थी कैसे जाओगी तुम टैक्सी वगैरह मिल जाएगी मुझे यहाँ नहीं तुम्हारे भाई ने बातें सुनानी है बहुत मुझे चलो अच्छा एक मिनट रुको अल्लाह आपको जल्द सेहत याब करे आप अपना ख्याल रखिएगा और तुम्हें मैं जाकर कॉल करूंगी आप सब भी अपना ख्याल रखना अरे यार एक मिनट रुको ठीक है चलती हूँ मैं दोबारा मुलाकात होगी दानिश खुदा हाफिज मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी कसम से और यालिन को तो देखो कितना जिम्मेदार हो गया है या अल्लाह इंशाल्लाह ये बताओ उस मसरत नामी लड़की का क्या होगा हाँ उम्मीद करती हूँ डेफिने को उसके बारे में कुछ पता ना चल जाए अरे इतना नशा करने की जरूरत क्या थी देखो यहाँ कितनी उंगलियाँ हैं ये हा? तीन और आधी दानिश आ गया क्या जी बिल्कुल वो तो कब से डेफिने के कंधे से लगे दुखड़े सुन रहे हैं उसके हम अब बहुत जल्द यालिन की दुल्हन देखेंगे उसके बाद दानिश की अगर उसे कोई पसंद आई तो और अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम बता सकती हो ताकि दानिश की शादी से पहले तुम्हारी शादी कर दी जाए तुम ना आती तो खुद आ जाता मैं तुम्हारे पास